हेलो वेलकम फ्रेंड्स, नरेशन पार्ट 19, सेंटेंसेस विद लेट लेट एलईटी लेट राइट। हियर वी हैव सम सेंटेंसेस वेयर द वर्ड लेट हैज बीन यूज्ड। फर्स्ट सेंटेंसेस, ही सेड कॉमास लेट अस गो होम। सेकंड सेंटेंस, आई सेड टू हिम Let us go out for a walk. Third one is, the student said to the teacher, Sir, let us go home. Fourth one is, the principal said to the PM, Let the boy come in. Let. Let words, you can see, have been used in all these sentences. अब सवाल ये है कि ये लेट हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंट सेड ऑफ मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है। एक ही मीनिंग नहीं है सभी सेंटेंसेस में, एक ही मैसेज नहीं है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें हम, ही सेड लेट अस गो होम, उसने कहा कि आओ घर चलें। शायद वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहा है कि आओ घर चलें, तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को एक तरह का सजेशन दे रहा है, एक तरह की प्रपोजल दे रहा है, एक तरह का प्रस्ताव रख रहा है। तो यहाँ पर सजेस्टेड, सेड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, सजेस्टेड। जहाँ पर सजेशन है वहाँ पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, राइट। तो ये लेट जो है यहाँ पर सजेशन दे रहा है, तो इसलिए सजेस्टेड। सेकंड में देख लीजिए, आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, यहाँ भी सजेशन दे रहा है, यहाँ भी प्रपोज कर रहा है, यहाँ भी हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लेके जाएंगे, पूरा सेंटेंस बनाएंगे, पर मैं लेट के बारे में क्लेरिफाई कर दूं कि लेट जो है क्या मीनिंग दे रहा है। थर्ड सेंटेंस में, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, सर लेट अस गो होम, यहाँ पर सजेशन नहीं, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर को अपने को, यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, यहाँ पर वो सर से कह रहे हैं कि सर हमें अलाउ कीजिए। तो सेड की जगह रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू अलाउ, इस तरह का हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ सेंटेंस में देख लीजिए, द प्रिंसिपल सेड टू द PN लेट द बॉय कम, यहाँ पर प्रिंसिपल जो है PN को यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पर सेड के बजाय क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट शेड्स हैं, लेट कहीं पर सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्टेड हो जाएगा, प्रपोज कर रहा है प्रपोज्ड हो जाएगा, अगर कहीं ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा, अगर कहीं परमिशन मांग रहा है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो मीनिंग है, उसका मैसेज जो है, उसका भाव जो है वो क्या है, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम अगर चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ही सेड, सेड को लेट जैसे हमने बताया था यहाँ पर सजेस्टेड, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ। सेकेंड सेंटेंस, फिर देखते हैं फर्स्ट को, अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ यहाँ पर, ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, देखिए किसी को तो सजेस्ट कर ही रहा है, इसलिए हम हिज फ्रेंड्स यहाँ पर मानते हैं। ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, या फ्रेंड कह लीजिए या फ्रेंड्स, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड, देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, दे शुड गो होम, दे शुड गो होम, राइट। समझ लीजिए, सेड यहाँ पर सजेशन दिया हुआ है, इसलिए सजेस्टेड किसको सजेस्ट कर रहा है, टू हिज फ्रेंड्स, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमो की जगह क्या आ गया, कंजंक्शन दैट, अस, अस किसके, दे, अस जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है ये, राइट, दे, ही का, ही के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लूरल है तो ये भी प्लूरल रहेगा, दे अपने पास से क्या लगाएंगे, सजेशन जब दिया है तो शुड, ऐसा करना चाहिए इसलिए शुड लगाया हमने, दे शुड गो होम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है लेट का।
हमने बताया था पहले ही, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, सर लेट अस गो होम. तो इसको कैसे बनाएंगे? द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर to allow them to go home. Right? समझ लीजिए इसको, said to को किस में बदल दिया हमने, request में, क्योंकि यहाँ पर request कर रहे हैं, वो सर बोल रहे हैं, सर और मैडम के हमने पहले भी sentences आपको बताए थे, तो उसमें हम सर और मैडम को जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्टेड शब्द यहाँ पर, रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम, यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, जाने की इजाज़त मांग रहे हैं, इसलिए अपने पास से अलाउ शब्द हमने यहाँ पर लगाया है, टू अलाउ देम, आस को किस में बदल दिया, अगेन देम टू गो होम. नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, इसको कैसे हम बनाएंगे देखिए. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पीएन क्या करने का ऑर्डर दिया, टू, यहाँ पर टू लगाएंगे अपने पास, टू अलाउ, किसको अलाउ करना है, द बॉय टू कम इन. राइट, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन चेंज द सेंटेंस इज हैविंग लेट. समटाइम्स वी मेक द वर्ड रिक्वेस्टेड, समटाइम्स वी मेक यूज ऑफ द वर्ड्स प्रपोज और सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड. नेक्स्ट जिसमें प्रोनाउंस की जो चेंज है वो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स रहती है. इसमें और कोई नई बात नहीं थी इसमें, तो लेट का प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं. कुछ और सेंटेंसेस, एक और टाइप हमारे पास है, जैसे देख लीजिए ए फ्यू मोर सेंटेंसेस. कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं जिसमें हैव टू या हैड टू यूज किए होते हैं. तो देखिए एग्जांपल देख रहे हैं, ही सेड I have to play a match. Right? I have to play a match. पहले यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए ये कौन सा टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये जब चेंज होगा नरेशन में तो हमारे पास रूल है किस में जाएगा, इस सिंपल पास्ट टेंस में. राइट, समझ लीजिए इस बात को यहाँ पर. और कुछ नहीं इसमें, नई बात कुछ नहीं है, बाकी की चीज़ें वही रहेंगी लागू जो रहती हैं. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें देखिए, ही सेड दैट, क्लियर यहाँ तक, सेड को सेड, कॉमाज की जगह कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दैट ही. राइट, अब हैव टू, इसको हैव को चेंज करना हमने, हैव को सिंपल प्रेजेंट को किस में, सिंपल पास्ट में. हैव का सिंपल पास्ट क्या होता है, हैड, आपको पता होना चाहिए, हैज, हैव, ये प्रेजेंट टेंस है, इसका सिंपल पास्ट हैड और इसका पास्ट परफेक्ट हैड. ये सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हैव को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, हैड, ये वाला हैड सेकंड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट. ओके, ही हैड टू, और कुछ नहीं करना इसमें, ही हैड टू प्ले अ मैच. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए एक और, शी सेड after the office hours
आफ्टर द ऑफिस आवर्स आई हैड टू रश होम। राइट, देख लीजिए इसमें सी सेड कॉमाज की जगह दैट आफ्टर द ऑफिस आवर्स, आफ्टर द ऑफिस आवर्स, क्लियर यहाँ तक। सी सेड कॉमाज की जगह दैट आफ्टर द ऑफिस आवर्स आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। राइट, आफ्टर द ऑफिस आवर्स सी आई की जगह, आई नॉमिनेटिव केस है तो सी भी नॉमिनेटिव केस है। अब बारी आ जाती है इस हेड की, हेड को क्या करना हमने, ये सिंपल पास्ट टेंस है। समझ लीजिए यहाँ पर इस सेंटेंस में ये हेड सिंपल पास्ट टेंस है, यानी ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म। अभी अभी हमने आपको बताया था, अभी अभी बताया था, क्या बताया था, हैज़ और हैव फर्स्ट फॉर्म है, हेड सेकंड फॉर्म है और हैड थर्ड फॉर्म है। राइट, ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म है आई हैड। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर दैट सी पास्ट परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड, ये हैड अपने पास से लेके आए हम, ये वाला हैड यूँ का यूँ, सी हैड हैड टू, दो बार हैड। समझ लीजिए इस बात को, ये सिंपल पास्ट टेंस था, इसको पास्ट परफेक्ट बनाया हमने। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी हैड हैड टू, बाकी यूँ का यूँ रस होम। फर्स्ट सेंटेंस इससे पहले जो सेंटेंस किया था, और इसमें देख लीजिए हाँ, हमने हैव टू को हैड टू में बदल दिया था, और हैड टू को किस में बदल दिया, हैड हैड टू। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट, सिंपल पास्ट को किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट में, और सिंपल प्रेजेंट को हमने किस में बदला था, सिंपल पास्ट में। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द यूज ऑफ हैव टू एंड हैड टू, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इन टू इनडायरेक्ट स्पीचेज। इससे पहले हमने किए कुछ सेंटेंसेज लेट के यूज़ के, जहाँ पर हमने लेट को सजेस्टेड, प्रपोज्ड या रिक्वेस्टेड या अलाउड में यूज़ किया था। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट सच वर्ड्स, दे आर यूज जनरली वाइल्ड चेंजिंग नरेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।